गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? ग्रेट। हमने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स क्लियर किए, देयर आफ्टर वी क्लियर्ड ऑल द फोर पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस, और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जानते हैं। हम जानते हैं कि इस टेंस की हिंदी में पहचान क्या है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्यतया गा, गे या फिर की शब्द आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। वह कल जयपुर जाएगा, कि आगे अंत में गा। इसका मतलब इस टेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन जब होगा तो कौन से टेंस के नियम लागू होंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, वह एक किताब लिखेगी, लास्ट में क्या आ गया? गी। इट मीन्स कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करेंगे, तो लास्ट में क्या आ गया? गे। इट मीन्स द टेंस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, करेक्ट। चलिए, अपन ने जान लिया कि इस टेंस की पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में गा या गे या फिर गी इस तरह के शब्द आते हैं। अब हम जानते हैं कि इस टेंस की इंग्लिश में पहचान क्या है, रिकॉग्निशन इन इंग्लिश। इस टेंस की इंग्लिश में पहचान है कि सामान्यतया टुमारो या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेशन, इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं। और भी हो सकते हैं, जैसे कमिंग वीक, कमिंग मंथ, कमिंग ईयर, लाइक दिस। तो अगर इस प्रकार के शब्द किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में आते हैं तो दिस इज श्योर दैट सेंटेंस इज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, करेक्ट। कौन कौन से शब्द हैं? टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सेशन, और मे बी समटाइम्स कमिंग वीक, कमिंग मंथ, कमिंग ईयर, कमिंग सेशन, लाइक दिस। ओके, चल हम सबसे पहले सीखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं हिंदी में? सकारात्मक वाक्य। तो इस वाक्य, इस जो टेंस के हम सकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो हम निम्न पैटर्न को काम में लेंगे। अगर हमारे सब्जेक्ट आई या वी है तो हम कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? सेल। देन वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्टली अदरवाइज। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी विल स्पीक आई शेल, वी शेल, लाइक दिस। और जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं जैसे यू, दे, ही, सी, इट, नेम या अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उनके साथ आता है विल, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्टली वी यूज अदर वर्ड्स। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल का मामला नहीं है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि सिंगुलर के साथ सेल और प्लूरल के साथ विल। देयर इज नथिंग लाइक दिस इन दिस टेंस। आपको तो ये याद करना है कि आई एंड वी के साथ शेयर और बाकी सभी के साथ विल, क्लियर। आपको इतने सारे जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं मैंने, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और भी बचे हुए प्लूरल सब्जेक्ट्स, इनके साथ विल आएगा, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या याद करेंगे? कि आई एंड वी के साथ शेल,
और बाकी सभी के साथ विल, करेक्ट? नो कन्फ्यूजन। बताइए आई के साथ क्या होगा? शेल। तो वी के साथ भी शेल, और बचे हुए सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल। क्लियर? चलिए वाक्य देखते हैं। मैं कल जयपुर जाऊंगा। मैं कल जयपुर जाऊंगा। पहचान देखिए, अपन ने लास्ट में क्या लिखा हुआ है? गा। इस टेंस की हिंदी में पहचान क्या है? गा, ये, गी। तो अपन को क्या मिल गया यहां पर? गा। तो ये कंफर्म हो गया कि कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले वर्किंग लिस्ट, सबसे पहले दैट इज आई। आई के साथ क्या लग रहा है? सेल। अब इस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं इंग्लिश में, तो पीछे से हम इंग्लिश वर्ड लिखते आएंगे। जाने को क्या कहते हैं? गो। देन टू जयपुर, ओके। देन कल, कल के लिए क्या आएगा बताइए? टुमारो। यस्टरडे नहीं लिखिए, क्या लिखेंगे? टुमारो। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, और टुमारो मीन्स आने वाला कल। कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं को इंग्लिश में आई लिखा, आई के साथ विच हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड? शेल। देर आफ्टर अपन ने पहचान का कौन सा वर्ड था? गा, वो हटा दिया। जाने को क्या कहेंगे? गो। देन जयपुर, टू जयपुर। मैंने आपको पहले ही ये सारी बातें क्लियर करवा दी कि गो के बाद में अगर कोई स्थान का नाम दे रखा हो तो हम गो के बाद में क्या लिखते हैं? टू। सिर्फ गो के साथ नहीं, गो की सभी फॉर्म्स के साथ। इट मे बी वेंट, इट मे बी गॉन, और इट मे बी गोइंग, ओके। तो इस प्रकार हमने इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। समझ में आई सारी बातें? ओके। हम और सेंटेंस भी लेते हैं और उनका हम ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में। देखिए, वे अगले सप्ताह, वे अगले सप्ताह एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, तैयार करेंगे। वे अगले सप्ताह एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। लास्ट में क्या लिखा हुआ? ये पहचान होगी, इसको हम बनाते हैं। पहले वर्ड की इंग्लिश पहले दे। दे के साथ क्या आएगा बताइए? विल। दे विल। अब यहां से ये तो पहचान है, इसको उठा देंगे और इंग्लिश लिखेंगे तैयार करना। क्या आ जाएगा? प्रिपेयर। अगला फ्रेज है एक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। और अगले सप्ताह का क्या रहेगा? द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट वीक। दे विल प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट द नेक्स्ट वीक। बट प्रेजेंट टाइम में ये सेल और विल का जो डिफरेंस है ये बहुत मिनिमाइज हो गया है। अनेक बार आई और वी के साथ विल का यूज देखा गया है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं यू, दे, ही, सी, इट, नेम, इनके साथ में शेल का प्रयोग देखा गया है। उल्टा भी अनेक बार इनका यूज देखा गया है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या नहीं है, वो मैं आपको समझा देता हूं, और आपको ये हमेशा माइंड में रखना है। नॉर्मली हम आई और वी के साथ लगाते हैं शेल, और बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं?
विल बट, बट आपको ये याद रखना है कि अगर सेंटेंस में डिटर्मिनेशन क्या दे रखा हो, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, सेंटेंस में दे रखा हो दृढ़ निश्चय या प्रोमिज, क्या दे रखा हो प्रोमिज यानी वादा, या दे रखी हो थ्रेट यानी धमकी। अगर इस तरह की चीजें आप सेंटेंस के माध्यम से दिखाना चाहते हो, कौन कौन सी, दृढ़ निश्चय या वादा या धमकी, तो शैल और विल का जो जनरल यूज है वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब आई और वी के साथ तो हम क्या लगा देते हैं, आई और वी के साथ क्या लगेगा बताइए, तब विल लगेगा, और जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या लग जाएगा, तब शैल। ये आप ध्यान रखेंगे। जनरल वे में तो आई और वी के साथ विल नहीं लगा करके क्या लगाते हैं, शैल, और अदर्स के साथ क्या लगाते हैं, विल। लेकिन अगर सेंटेंस के माध्यम से आप डिटर्मिनेशन शो करना चाहते हो, प्रोमिस शो करना चाहते हो या थ्रेट शो करना चाहते हो, तब आई और वी के साथ विल और बाकी सभी के साथ शैल। ओके, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आपने अनेक बार फिल्म्स में सुना होगा कि मैं आपको मारूंगा, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आई विल किल यू, ये लिखते हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा आई शैल किल यू, ये नहीं सुना होगा, ये नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते, क्योंकि इसमें क्या दी गई है, धमकी का यूज है। ये किसका यूज है, धमकी, और जब धमकी होगी तो आई और बी के साथ किसका यूज होगा, विल का यूज होगा। क्लियर। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। शैल और विल का ये कंफ्यूजन और भी अनेक बार लोगों के माइंड में चलता रहता है, तो इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन है कि आपको सब्जेक्ट के साथ न तो शैल लिखना है और न ही विल, बल्कि आप क्या लगाएंगे, डबल एल। डबल एल कैसे, जैसे आपको ही के साथ लगाना है शैल या विल, पता नहीं क्या लगाना, हम लिखेंगे ही, सिंपल। आई के साथ लगाना है आइल, वी के साथ लगाना है विल, दे के साथ लगाना है देल, सी के साथ लगाना है सी, मोहन के साथ लगाना है मोहन, लाइक दिस। न तो आपको शैल लिखना और न विल लिखना। ये कब करेंगे आप, जब आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन चल रहा हो, देन यू विल यूज नाइदर शैल नॉर विल, यू विल यूज ओनली कोमा एंड डबल एल। बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये तरीका नहीं चलेगा, वहां पे एग्जैक्टली आपको शैल या विल का यूज करना होगा। अंडरस्टैंड, ओके। लेट्स प्रोसीड टू नेगेटिव सेंटेंस नाउ। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। देखते सिंपल, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, देन शैल और विल, देयर आफ्टर नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी राकेश कल स्कूल नहीं जाएगा,
राकेश कल स्कूल नहीं जाएगा। पहचान देगी लास्ट में गा। कन्फर्म कि हमारा टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए राकेश। बताइए सेल लगेगा या विल? यस विल। देन नॉट। पीछे से बनाते हैं। जाने को कहते गो। नहीं के लिए ऑलरेडी हम लिख चुके। नेक्स्ट वर्ड टू स्कूल। देन कल टुमारो। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में एक ही डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है? वो नॉट का डिफरेंस है। ओके चल एक सेंटेंस और लेते हैं। बच्चे जलेबी नहीं खाएंगे। बच्चे जलेबी नहीं खाएंगे। पहचान गे हटा देंगे। सबसे पहले बच्चे इंग्लिश चिल्ड्रन। क्या आएगा? विल नॉट। खाने के लिए क्या था? ईट। नहीं की इंग्लिश आ चुकी है ऑलरेडी। नॉट जलेबीज। जलेबीज चिल्ड्रन विल नॉट ईट जलेबीज। अच्छा आपको एक बात और ध्यान रखनी है। आजकल अनेक बार ईट और ड्रिंक के लिए टेक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल करते हैं टेक। समटाइम्स हैव का इस्तेमाल भी करते हैं। तो आप बोल सकते हैं चिल्ड्रन विल नॉट टेक जलेबीज। चिल्ड्रन विल नॉट हैव जलेबीज। इस प्रकार से यू कैन इजीली मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। करेक्ट? नाउ लेट्स प्रोसीड टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो फर्स्ट वाला है वो देखते हैं पहले। यस नो टाइप इंटरोगेटिव्स। इंटरोगेटिव्स का मतलब वही है इंटरोगेटिव सेंटेंस। शॉर्टकट में इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव्स भी कह देते हैं। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला। सबसे पहले हम यूज करेंगे शैल या विल, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड लास्टली क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? सबसे पहले लगाएंगे हम शैल या विल, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्टली वी शुड नॉट यूज द साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर बाकी शब्द भी होंगे तो वो हम क्वेश्चन मार्क के पहले लिखेंगे। देखते हैं। क्या आप कल प्रार्थना सभा में भाषण देंगे? क्या आप कल प्रार्थना सभा में भाषण देंगे? पहचान के लिए देखते हैं क्या हो गया लास्ट में गे। बनाते हैं। क्या के लिए क्या आएगा? सेल या विल, दोनों में से एक आएगा। बताओ क्या आएगा यहां पर? विल आएगा क्योंकि आप है और आपके लिए क्या आता है? यू। और यू के साथ क्या आता है? विल। क्लियर? विल। इसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू। देन पीछे से बनाएंगे सेंटेंस को। भाषण, भाषण बाद में आएगा।
पहले इंग्लिश आएगी देने की इंग्लिश। देने को क्या कहते हैं बताइए? हाँ गिव कहते हैं देने को। यहाँ भी हम गिव लगा सकते हैं, बट कोई भी स्टैंडर्ड वर्ड्स अगर हमारे पास हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें उनका यूज करना चाहिए। तो देने के लिए वर्ड आता है और डिलीवर। भाषण देने की बात हो तो गिव ए स्पीच। इस फ्रेज का इस्तेमाल करने के बजाय आप कौन से फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे? डिलीवर ए स्पीच, दैट इज स्टैंडर्ड वर्ड। गिव इज नॉट सो स्टैंडर्ड, इट सीम्स एज इफ यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। विल यू डिलीवर, भाषण के लिए आएगा ए स्पीच। मे के लिए क्या आएगा? इन। प्रार्थना सभा क्या आएगा इसके लिए? प्रेयर असेंबली, प्रेयर असेंबली। मॉर्निंग असेंबली भी लिख सकते हैं। और कल के लिए क्या आएगा? टुमार। विल यू डिलीवर ए स्पीच इन प्रेयर असेंबली टुमार। क्लियर? आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि क्या के लिए वोट नहीं आएगा शुरुआत में। क्या के लिए वोट जब आता है, जब क्या शुरुआत में नहीं आकर के सेंटेंस के बीच में आए। अंडरस्टैंड? तो हमने पढ़ा यस नो टाइप इंटरोगेटिव्स, अब देख लेते हैं डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव्स। इंटरोगेटिव्स इसका जो हमारा पैटर्न है वो रहेगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, देन सेल और विल, सेल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड हो तो वो, एंड लास्टली क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बने देखते। कल सभी अध्यापक, सॉरी इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं सेंटेंस को। सभी अध्यापक कल कहाँ जाएंगे? इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश। तो सबसे पहले बताइए क्या आएगा इसमें, बताओ किसकी इंग्लिश आएगी? यस, सबसे पहले इंग्लिश आएगी कहाँ की। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है बताइए? वेयर। सबसे पहले इस प्रकार के शब्दों की इंग्लिश आती है। कौन कौन से शब्द होते हैं? ऐसे कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, क्या, इस प्रकार के शब्दों की इंग्लिश सबसे पहले। इसके बाद में शैल या विल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा सब्जेक्ट है सभी अध्यापक, तो क्या आएगा? विल। शैल कब आता? जब हमारा सब्जेक्ट होता या तो मैं या फिर होता हम। अंडरस्टैंड? वेयर विल सभी अध्यापकों के लिए, ऑल द टीचर्स, वेयर विल ऑल द टीचर्स, जाने को क्या कहते हैं? गो। अगला वर्ड कौन सा बचा? कल, टुमारो। वेयर विल ऑल द टीचर्स गो टुमारो। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नो कंफ्यूजन, बहुत इजी है। इस टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस अनेक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कमिंग डेज, कमिंग मंथ, कमिंग ईयर, इस प्रकार के अगर कोई शब्द मिले तो आप खालिस्तान में क्या लिखेंगे? सेल या विल, एंड साथ में
फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, क्लियर। अब हम चाहते हैं कि आपके लिए इस प्रकार के अनेक वीडियो बनाए जाएं और हम बनाएंगे। इट्स माई गारंटी, इट्स माई डिटर्मिनेशन दैट आई विल मेक वीडियोज ऑन ऑल टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस ग्रामर। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।